लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक गठबंधन एक्शन मोड में है। एक तरफ एक गठबंधन बन रहा है जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहता है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी ने एनडीए को फिर से जोड़ने की एक कवायद शुरू कर दी है और आप कह सकते हैं कि एक नया और एक्सपैंडेड एनडीए बनाने की कोशिश भी जारी हो गई है। अब दिलचस्प यह है कि मॉनसून सत्र से पहले दोनों ही गठबंधन ने अपनी अपनी बैठक बुलाई है। विपक्षी एकता मुहिम के लिए जहां 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दल एक साथ जुटेंगे, जो कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, तो वहीं बीजेपी ने 18 जुलाई को एनडीए दलों की बैठक बुलाई है। अब ये दिलचस्प है कि दोनों ही बैठक की तिथि जो है वो एक जैसी ही है। विपक्षी दल 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में जुटेंगे, तो 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होगी, तो ये बहुत ही दिलचस्प स्थिति पैदा करता है। और क्यों इसी एक तिथि के आसपास जो है वो बैठक बुलाई गई है, इस पर आज बातचीत करूंगा और इन बैठकों का क्या असर हो सकता है और क्या संदेश देना चाहता है दोनों ही गठबंधन, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और उसके दो दिन पहले दो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। विपक्षी दलों का जो एक एकाका संदेश है और जो विपक्षी एकता की मीटिंग है वो बेंगलुरु में होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बैठक दिल्ली में 18 जुलाई को होने वाली है। तो आप कह सकते हैं कि ये मुकाबला जो है बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है और इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक तरफ विपक्षी एकता मुहिम वर्सेज एनडीए की जो एक जोड़ने की नीति है उसके बीच ये मुकाबला है। इसके अलावा दोनों तरफ से जो ये बैठक हो रही है उससे क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जब दोनों ही गठबंधन, एक तरफ विपक्षी एकता 17-18 जुलाई और एनडीए 18 जुलाई को बैठक करेगी, तो ये संदेश देने की कोशिश होगी कि किस पक्ष में कितने ज्यादा दल हैं, और इसकी कोशिश भी जो है वो शुरू हो गई है। जहां विपक्षी एकता मुहिम में और दलों को जोड़ने की कवायद के रूप में 7 नई पार्टियों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है, तो दूसरी तरफ एनडीए का भी ये प्रयास है कि 1998 में जो एनडीए का स्वरूप था उसे हासिल किया जाए और बल्कि उसमें दलों की संख्या और बढ़ाई जाए, तो ये प्रयास हो रहा है। और आप देखेंगे कि जो विपक्षी एकता की मुहिम के लिए जो नए दलों को आमंत्रित किया गया है उसमें अगर हम बात करें तो एमडीएमके है, केडीएमके है, वीसीके है, इसके अलावा आरसीपी है, फॉरवर्ड ब्लॉक है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, ये भी गौर करने की बात है, और इसके अलावा केरला कांग्रेस है जिसे कि आमंत्रित किया गया है विपक्षी एकता की बैठक में। तो ये नए दल जो है वो विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल होने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी का प्रयास है, जो एनडीए की बैठक बुलाई गई है उसमें भी जो है ये कोशिश हो रही है कि जो साथी छूट गए हैं उन्हें फिर से जोड़ा जाए। और इसी कड़ी में चिराग पासवान से बातचीत हुई है और आपने देखा होगा कि नित्यानंद राय ने उनसे मुलाकात की थी और खबरें ये आ रही हैं कि चिराग पासवान एनडीए की बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एक बार फिर से अकाली दल को जो है एनडीए में शामिल करने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये बातें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के लिए नहीं कही जा सकती, हालांकि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि वो एनडीए फोल्डर में फिर से आ जाएं, लेकिन मुझे लगता है और ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि फिलहाल जो है बीजेपी आंध्र प्रदेश में वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि वहां पर वाईएसआर कांग्रेस के साथ भी बीजेपी के अच्छे रिश्ते रहे हैं और जब भी राज्यसभा में जरूरत पड़ी है वाईएसआर कांग्रेस ने बीजेपी के साथ कई मौकों पर वोट भी किया है। इसके अलावा दक्षिण के कुछ पार्टियां हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, और अगर हम बात करें तो टीएमसी को बुलाया जा रहा है,
चौंकिएगा नहीं, तृणमूल कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा, ये तमिल मनीला कांग्रेस जो कि तमिलनाडु की पार्टी है उसे बुलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब पीएमके भी जो है इसमें शामिल होने जा रहा है, तो दक्षिण से ये दल हैं। तो अब जो है दोनों ही तरफ ये एक होड़ होने जा रही है कि कौन सा गठबंधन अपने साथ ज्यादा पार्टियों को जोड़ लेता है, और एनडीए जहां ये एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनडीए जो फॉर्म करना चाहता है उसके पीछे सीधा सा मकसद है कि वो ये संदेश देना चाहता है कि वो छोटी पार्टियों के साथ भी आगे जाने के लिए तैयार है, और विपक्षी एकता की जो मुहिम चल रही है उसमें इतने दल जुड़ रहे हैं तो एनडीए के साथ भी जो है दल जुड़ रहे हैं। अब आपको बता दूं नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्टियां भी इसमें होंगी एनडीए की बैठक में, तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प मुकाबला होगा कि किस गठबंधन के साथ जो है ज्यादा दल जुटने वाले हैं। अगर हम बिहार की ही बात कर लें तो जैसा मैंने कहा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है, तो ये भी उस बैठक में होंगे एनडीए के। लेकिन अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुकेश सहनी जाते हैं या नहीं जाते हैं, उस पर भी एक नजर होगी सबकी। तो दोनों तरफ से ये प्रयास है कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को अपने साथ जोड़ें ताकि ये परसेप्शन बनाया जा सके, जनता में ये संदेश दिया जा सके कि उनके साथ ज्यादा पार्टियां हैं और वो ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप इसे एक काउंटर अटैक के रूप में जो एनडीए ने बैठक बुलाई है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि विपक्षी एकता की मुहिम काफी समय से पिछले चल रही है और 23 जून को इसकी एक बैठक पटना में हो चुकी है, ये दूसरी बैठक है। और इस बीच एनडीए ने जो ये बैठक बुलाई है वो जो है एक लंबे समय के बाद ये बैठक बुलाई गई है, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि एनडीए ये प्रयास कर रहा है कि वो काउंटर करे और ये संदेश देने का प्रयास करे कि आपके पास इतने दल हैं तो हमारे पास भी इतने दल हैं। इसके अलावा जब दोनों तरफ बैठक होगी तो चर्चाएं, चाहे आप मीडिया की बात कर लें, टीवी पर बात कर लें, दोनों तरफ की होंगी, तो जो कंसंट्रेशन जो है वो एक तरफ जो है मीडिया का नहीं होगा, वो दोनों तरफ रहेगा। और आप कह सकते हैं कि इससे दोनों एक दूसरे की शक्ति को भी परखने का काम करने जा रहे हैं। तो ये बातें हो सकती हैं, और यहाँ पर जो योजना है बीजेपी की और एनडीए की और नरेंद्र मोदी की वो यही है कि वो बैकफुट पर हटने को तैयार नहीं है, वो भी फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहती है। हालांकि विपक्षी एकता मुहिम को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं, अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मतांतर है उसका समाधान नहीं निकल पाया है। हालांकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बुलाया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो एक दोनों के बीच तल्खी है वो अभी तक दूर नहीं हो सकी है। अब देखना है कि आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता की जो मुहिम के लिए जो बैठक होनी है बेंगलुरु में उसमें शामिल होती है या नहीं। लेकिन जो भी हो मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, और एक राजनीतिक जो आप गहमा गहमी कहते हैं वो आपको देखने को मिलने जा रहा है। 17-18 जुलाई को बैठकें होंगी, नेता सामने आएंगे, नए नए बयान आएंगे, नए दोस्त बनेंगे, पुराने दोस्त छूटेंगे, तो इन सारी चीजों की कहानी जो है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, 7-8 महीने के बाद, तो उसकी तैयारी में दोनों खेमा जो है वो पूरी तरह से लग गया है। तो जो कुछ भी होता रहेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।